स्टैंड या कुछ दिखा लगा देना फिर भालू जी सामने अंदर वा थोड़ा दिखा दो प्रभम निर्विघ्न कुर्मे देव सर्पार से सदा मंगल भगवान मंगल 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 ओम आइए गुरु जी आप हाथ चढ़ाइए गांधी पीछे लगा देखो अरे मुस्कुरा दो मुझसे बोल रहा है चलिए चलिए थैंक यू एक मिनट हर हर महादेव माचिस लाओ बाबा माचिस पूरा भर के पूरा कोरो सब हर एक चीज के साथ है मार खाएगा प्रभात तू रेंज लगे ना लोकल शुरू करें जैसे कि जय माँ का चल रहा है इस समय समय नवरात्रि का तो मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को अमरीश सिंह की तरफ से जय माता दी और बिल्कुल इसी तरह फिल्म भी आइए सर 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 हमारे डायरेक्टर सर आ गए एंट्री बस पहला ही अभी शुरू हुआ तो जैसे कि जय माँ बिंध्यवासिनी हमारी फिल्म का टाइटल है बहुत ही अद्भुत टाइटल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई फिल्में नहीं बनी है अभी तक इस टाइटल पे गाने तो काफ़ी लोगों ने बनाया है और काफ़ी गाया है और माँ के गाने गा के काफ़ी सराहा भी है तो ये पहली बार इस टाइटल पे फिल्म बन रहा है तो ये भी एक अद्भुत ही है और इस नवरात्रि में आज पहला गाना का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और साथ में हम अपने गैदरिंग कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं जी सर जाना चाहूँगा क्या पिच भूमि क्या है बेसिकली क्या कहने की कोशिश की सिंह के माध्यम से जो किरदार इसका बताइए साथ ही अंजना सिंह जी भी हैं और अंकल जी भाई दो नामी ग्रामी हस्ती हैं बिल्कुल फिल्म है एक अच्छी कहानी है जैसे कि टाइटल ही है जय माँ बिंध्यवासिनी तो उनकी महिमाओं पे और वो किस पे कितना महिमा करती हैं और कैसे दुख को सुख में तब्दील करती हैं तो ये सारी चीज़ों को लेते हुए हमारे डायरेक्टर और राइटर ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और इस पर वर्क किया है नहीं ऐसी ये मेरा पहला प्रयास है एक फिल्म हमारी प्लानिंग हुई है और उसका थोड़ा सा काम बचा किसी कारण वह रुक गई थी इसके पहले हमने एक धार्मिक प्लस
सब था, मतलब धर्म पे कुछ आधारित था। आज में कोई भी प्रोड्यूसर धार्मिक फिल्म नहीं बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता है बिल्कुल। हमारे जो गुरुजी हैं, जो फिल्म के जय सिंह के प्रोड्यूसर हैं, इतना बड़ा रिस्क लिए हैं तो क्या कुछ नहीं। ये देखिए, दरअसल मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूँगा कि जब हमारी और अमरीश जी से बात हो रही थी तो मैंने ही ये सजेशन दिया था कि हम यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से कहीं ना कहीं हम लोग पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आस्था है माता विंध्यवासिनी पे। तो उस आस्था के ऊपर, उस माता के ऊपर फिल्मों के माध्यम से हमें बातों को रखना चाहिए। हम जिस तरह गीत संगीत के माध्यम से या पूजा पाठ के माध्यम से माता जी की आराधना करते हैं, तो वो फिल्मों के माध्यम से करना चाहिए। और ये सोचकर मैंने ये प्रस्ताव रखा था, तो हमारे गुरु जी को ये बहुत अच्छा भी लगा, अमरीश जी को बहुत अच्छा लगा, और इस तरीके से जय माँ विंध्यवासिनी की ये जो नींव रखी गई। कब तक शूटिंग शुरू की जाएगी और कहां जाएगी? ये देखिए, बहुत जल्द इसके नवंबर के पहले हफ्ते में ही इसकी शूटिंग शुरुआत की जाएगी। ये प्रयागराज के पास कौन सा जगह है गुरुजी? हंडिया एक जगह है जहां पे गुरुजी का हमारे वो निवास स्थान भी है, तो उसी के इर्द गिर्द और मिर्जापुर विंध्याचल में हमारी फिल्म की शूटिंग की जाएगी। गुरुजी, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आपके पहली फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं, क्या कहना? अभी पहले तो आप लोगों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे डायरेक्टर वेलू जी, हमारे हीरो अमरीश भाई जी, अंजना जी, अम्रपाली जी, सबको बधाई देना चाहता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि माँ विंध्यवासिनी की कृपा तो बहुत ही निराली है। आप लोगों ने चर्चा की, हमें बहुत अच्छा लगा कि शायद इस पे हम माँ का गुणगान हम क्या करेंगे, माँ तो खुद ही जो है बच्चों के ऊपर दया बरसाती है। इस महिमा की बखान करने के लिए जो है हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, बीड़ा उठाया है, जो हम चाहते हैं कि जो माँ से दूर जा रहे हैं कुछ माँ के महिमाओं को जाने, माँ के चरण से लगें, उनकी कृपा अपने तरफ खींचें, और ऐसी फिल्में हमारे अलावा और भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे करने की कोशिश करें, माँ से इतनी दूर जाने की कोशिश ना करें। प्रयागराज के हंडिया में किस जगह करने वाले हैं? हंडिया प्रयागराज में माँ विंध्यवासिनी का दरबार मिर्जापुर में है, वहाँ भी 4 दिन 5 दिन की शूटिंग है, प्लस इलाहाबाद प्रयागराज में हंडिया तहसील। जो मेन जगह है हंडिया में, हंडिया ही हंडिया है, हंडिया गाँव सभा गंगा जी का तट है, बाहरपुर दुलापुर जी। बेलू जी, माँ विंध्यवासिनी का कैरेक्टर कौन सी रोल करेंगे? ये अभी थोड़ा सा, अभी एक दो दिन में इसको क्लियर कर दिया जाएगा, ये थोड़ा अभी चर्चा का भी था वो अभी। ये तो फिक्स हुआ कि भैरव कैरेक्टर बेलू जी करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा इसमें भैरव जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है, वैसा कैरेक्टर मैं बहुत फिल्मों में कर चुकी, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें विलन का किरदार बहुत ज़्यादा नहीं रचा गया है, इसमें परिस्थितियों को विलन बताया गया है, और स्थिति परिस्थिति ही इसमें विलन है, और एक पारिवारिक सभी के साथ देखने वाली और फिल्म का निर्माण है, हमारे धर्म से जुड़ी आस्थाओं का इसमें विस्तार तरीके से वर्णन किया गया है, माता विंध्यवासिनी की उत्पत्ति कैसे हुई उस बात पे भी मत एक प्रकाश डालने की कोशिश की गई है इस फिल्म में, तो कुल मिला के एक बहुत ही आस्था से भरी हुई और धर्म को प्रसारित करने वाली ये फिल्म है हमारी जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्याचल और मिर्जापुर में कुछ खास लोकेशन है आप शूट करने वाले? मंदिर, जाहिर सी बात है कि माता विंध्यवासिनी का मंदिर हम लोग ज़रूर करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे झील झरने हैं, वहाँ भी उसको हम लोग काफ़ी टच करने की कोशिश करेंगे, जो प्राकृतिक दृश्य है, जो सुंदर दृश्य है, गंगा नदी है, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, इस तरीके से जो मनोरम दृश्य है सबको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लॉकडाउन के बाद खुल चुका है, लेकिन अभी सावधानियां बरतने के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं, आप क्या कुछ सावधानियां बरतने वाले फिल्म है? माँ के नाम पे जो मूवी कर रहे हैं, माँ से बढ़कर सुरक्षा कौन कर सकता है? हमें तो नहीं लगता कि संसार में कोई भी सुरक्षा कर सकता है, जन्मदाता हो कर्मदाता हो तो वही सब सुरक्षा करने वाली। हाँ, ये ज़रूर चाहेंगे जो है कि हमारे जितने
लोग टेक्नीशियंस यहाँ जाएंगे तो उनके लिए मास्क का पूरा बंदोबस्त रहेगा और सैनिटाइजर भरपूर मात्रा में रहेगा सेट पे, और हमारे यहाँ वो मेडिकल जांच करने के लिए डॉक्टर और नर्स पूरी पूरी टीम होगी। तो वो पूरी टीम हम लोग जो जो एक नियम है हमें किस तरीके से वो करना वो सब उसका पालन करते हुए हम लोग इस एक मूवी का वो करेंगे। चलिए गीत संगीत की बात करें तो कौन दे रहे हैं और किस तरह गाने में? गीत संगीत है हमारे मुन्ना दुबे जी दे रहे हैं और काफी अच्छा बेहतर गीत संगीत में तो अश्लील गाने तो चलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे फिल्मों में तो ऐसे ही अश्लील गाने कभी नहीं होते थे, हमारे फिल्मों में बहुत ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भक्ति गाने हैं। हाँ, कुछ सिचुएशनल गाने हैं जो आम तरीके के होते हैं, वो वैसे गाने भी हैं, ऐसा नहीं कि वो जनजीवन में जो हम खुशियाँ मनाते हैं जो महसूस करते हैं वैसे भी दृश्य हैं हमारे फिल्मों में, लेकिन भक्ति और आस्था से थोड़ा ज़्यादा हमारा इस फिल्म में वो लगाव रहेगा। अमरीश जी, इस फिल्म में अमर पाली जी के साथ फिर से नजर आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा अगर वो इस जैसे कि माँ बिंदवासिनी में वो अगर किरदार निभा रही हैं तो बिल्कुल बेखुदी से हम सब साथ में काम करेंगे जैसे करते आए हैं जी। और कौन कौन से कलाकार फिल्म में बहुत सारा चयन कर लिए हमारे माननीय डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू सर, जैसे कि इसमें प्रकाश जय, समर चतुर्वेदी और रश्मि शर्मा जी और अंजना जी हैं फाइनल, बहुत सारे हो गए किरदार और कुछ और भी फाइनल करने हैं, तो मुझे लग रहा है इस वीक में सारे लोग फाइनल हो जाएंगे, देन हम लोग फर्स्ट वीक में शूटिंग के लिए भी वहाँ पे पहुँच के और शूटिंग भी शुरुआत हो जाएगी। और कौन कौन फिल्में आपके बनने वाली हैं? हाँ, फिल्में तो बहुत सारी आने वाली हैं, मैं काफ़ी लॉकडाउन के पहले 8-10 फिल्में किया था जो कंप्लीट हो गई है पोस्ट भी, तो सारी बैक टू बैक आने वाली है। और सबसे खूबसूरत बात आज है खुशखबरी की कि मैं आज ही एक फिल्म कंप्लीट किया है जिस फिल्म का नाम है राजमहल, और उसके भी डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू सर ही है, तो मेरे लिए आज बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज माँ का कि मैं एक फिल्म ख़त्म किया और दूसरी फिल्म के लिए फिर उसी एनर्जी के साथ तैयार हूँ। बस यही कहना चाहेंगे कि नवरात्रि में जय माता दी और अपना ध्यान दें, COVID-19 का हर नियमों का पालन करें और अपने आप में मस्त रहें, फिट रहें और तंदुरुस्त रहें। हाँ सर, बिल्कुल हमारी भी यही कहना होगा जाते जाते कि बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है सिनेमा में और हर तरह की फिल्में बन रही है, और मुझे लग रहा था कि भोजपुरी में इस तरह की फिल्मों का बनना बंद हो गया था बहुत लंबे समय से, तो मैंने ये प्रयास किया है कि इस के जो प्रेमी हैं, जो भक्ति भावना से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी फॉलोवर हैं धर्म को मानने वाले लोग, बहुत बड़े फॉलोवर हैं माता जी को मानने वाले लोग, तो वो जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं भक्ति से, भावना से, आस्था से, वो हमारी फिल्म जय माँ विंध्यवासिनी को अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह दे, और मैं यही कामना करूँगा कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप अपने आगे के जीवन को निर्वाह करें। नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को मेरी ओर से। आज जय माँ विंध्यवासिनी इस फिल्म का आज मुहूर्त है, जिसके हीरो हैं अमरीश सिंह जी एंड जिसके डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं जय सिंह जी हैं गुरु जी, और इस फिल्म की हीरोइन है अम्रपाली जी, अंजना सिंह जी, एंड भक्तिमय फिल्म है और नवरात्रि का समय भी चल रहा है और इस समय में इस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, जिस जो बहुत ही खुशी की बात है। और इस फिल्म में मेरे भी 2-3 गाने हैं जो बहुत ही प्यारे हैं और देवी माँ का वर्णन है गाने के अंदर, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। आमतौर पर हम लोग गाने गाते हैं रोमांटिक या हर तरह की सिचुएशनल, लेकिन भक्ति फिल्म अगर स्पेशली बन रही है तो उसमें गाने की एक अलग एक भक्ति भावना स्टूडियो में हर किसी के अंदर आती है और अच्छा लगता है। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में भक्ति फिल्म बन रही है, जो प्रोड्यूसर हैं वो भक्ति फिल्म बना रहे हैं, आपको पता है कि भोजपुरी में किस तरह की फिल्में बनती हैं, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एक अचीवमेंट है? मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि काफ़ी समय बाद भोजपुरी फिल्म में इंडस्ट्री में एक भक्ति फिल्म बन रही है और अमरीश जी इसको लेकर, और जितने भी इस फिल्म के जितने भी जो टीम है, बेलू जी डायरेक्टर हैं आई थिंक, और जितने भी जो क्रू हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हाँ, और मुन्ना दुबे जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत आभार है कि ऐसी फिल्में भी भोजपुरी में आनी चाहिए जो पूरी जो है आपके इस जो कल्चर, और कल्चर है, हाँ, उसको भी एक वर्णन होना चाहिए, बिल्कुल
और माँ की महिमाओं को जाने बिल्कुल, और पहचाने कि आज मुझे ऐसा लगता पूरे बिहार की कुल देवी हैं माँ विंध्यवासिनी। और मैं भी बचपन में और मेरे मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश, तो हमारे घर में जो पहला बच्चा होता है तो उसका मुंडन भी वहीं होता है। हम लोग जाते हैं वहाँ, बहुत पूजा करते हैं और कढ़ाई उड़ाई पूड़ी और क्या हलवा मन्नत होती है। तो बहुत सारी उनकी महिमाएं हैं माँ विंध्यवासिनी की, और अपार महिमा है। और मैं चाहता हूं कि अगर उनका 1-2-5% भी लोगों तक हम पहुंचा पाएँ और बता पाएँ तो ये बहुत हम सौभाग्यशाली होंगे, हमारी पूरी टीम सौभाग्यशाली होगी। तो इसी कुछ प्रयास से हम पूरी टीम और हमारे प्रोड्यूसर जय सिंह जी जो कि गुरु जी ये भी काफ़ी धर्म और कर्मों से जुड़े रहते हैं, इलाहाबाद हंडिया के रहने वाले हैं। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो अपने आप में बहुत सामाजिक व्यक्ति आए और इन्होंने कुछ कहा कि किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी शुरुआत किया जाएगा और मुझे नहीं पता था कि माँ ने ये शुरुआत कर दिया। तो इस नवरात्रि में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और जय माँ विंध्यवासिनी की। नवरात्रि चल रही है, जरा अंतरा मुखड़ा कोई हो जाए कोई नया गाना आपका। जी अभी तो इस नवरात्रि में काफ़ी सारे गाने आए हैं और दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया है। अभी आज शाम को एक दुर्गा मंत्र भी रिलीज होने वाला है प्रियंका सिंह ऑफिशियल से, तो दो लाइन मंत्र के ही आपको सुनाती हूँ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहू लोक फैली उजियारी। नमो 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 नमो। तो ये दुर्गा चालीसा है जो आज ऑफिशियल से रिलीज हो रहा है, और बहुत सारे गाने आए हैं जो मैंने पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ एंड बहुत सारे रितेश जी, काफ़ी सिंगल्स गाने भी हैं जो दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। यूं ही प्यार दुलार और आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखिए, और हमारे गानों को सुनिए, फिल्म के गानों को सुनिए, और जो एल्बम में जो हम करने का प्रयास करते हैं अच्छे गाने वो सब भी सुनिए। थैंक यू सो मच। नवरात्रि के समय चलना, आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मैं ही कहना चाहते हैं माता रानी का 9 दिन का वो है, हम सभी मिलकर इस माँ के गुणगान को जो है इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि हमारे जितने पात्र और जितने देशवासी हैं सबके ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, सभी आगे जाते रहे। फिल्म में संगीत और गीत मुन्ना दुबे जी ने दिया है, कुछ कहना चाहेंगे? उनके ऊपर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे, इसी तरीके माँ के गानों को जो है अच्छे तरीके से वो देते रहें। चलिए सर बोलिए। जी नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और आज जय माँ विंध्यवासिनी माँ की फिल्म का आज भव्य मुहूर्त है। कैसा अनुभव था, क्या कहना चाहेंगे? काफी तारीफ कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर साहब हैं आपका, तो कुछ बताइए। प्रियंका जी भी हैं। देखिए अभी फिल्म का मुहूर्त आज है और कुछ गाने के साथ रिकॉर्डिंग है, तो प्रियंका जी हैं, खुशबू जी हैं, जतिंदर जी हैं, तो अभी शुरुआत है, तो गाने वगैरह तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये कहेंगे कि बहुत खूबसूरत फिल्म बन रही है और जहाँ तक होगा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें बना के हम अपने दर्शकों को और श्रोतागण को दे सकें, तो कोशिश जारी है। थैंक यू।